मध्य प्रदेश सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में सिंधिया समर्थक विधायकों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति दूसरे दिन भी सिंधिया समर्थक विधायकों का इंतजार करते रहे, लेकिन विधायक नहीं आए। अब स्पीकर तीन विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों ने कमलनाथ की कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर रखा है। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति ने इन सबको नोटिस देकर बुलाया था, लेकिन विधायक नहीं आए। ऐसे में दो तीन विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा, इनके मामले गंभीर, इन्हें रखूं या निकालूं इस पर निर्णय अलग तरीके से लूंगा। स्वयं देख रहे हैं कि आज रंग पंचमी है, उसके बाद भी मैंने समय निर्धारित किया अधिकारियों के साथ और हम सब ने बैठ के इंतजार किया कि जिन माननीय विधायकों को मैंने आज का समय निर्धारित किया था 7 दिन का, और उनके साथ जो कल नहीं आए थे उनका भी आज समय निर्धारित किया था। ऐसे 13 लोगों को, विधायकों को आना चाहिए, पर आप स्वयं देख रहे हैं जैसे कल देख रहे थे। मैं विधिवत नियम प्रक्रियाओं में बंध के अपना कार्य संचालित कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि भाई आइए, मैं आपकी बात सुनूं और कोई निर्णय पर पहुंचूं। ये बात जरूर है कि उसमें दो तीन कुछ गंभीर मुद्दे हैं विधायकों के, उन दो तीन विधायकों को रखूं या निकालूं मैं गंभीरता से चिंतन कर रहा हूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।